बहुत बुद्धिमान है वहां के लोग। ये अकेला पड़ जाएगा वहां कैसे? ओरिजिनल शक्तिमान यानी कि हमारे मुकेश खन्ना 7 साल अपनी टीवी सीरियल शक्तिमान से हम सभी को काफी एंटरटेन कर चुके हैं और उस टीवी सीरियल पर आई थिंक बिग बजट फिल्म बनने वाली है जिसके लिए बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह को चुना गया है। अब रणवीर सिंह को ये प्रोजेक्ट उतनी आसानी से तो नहीं मिला होगा ना, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत सारे लोगों के नाम दिमाग में थे जैसे कि शाहरुख खान हो गए, अक्षय कुमार हो गए, अजय देवगन और उसमें से रणवीर सिंह भी थे। पर कुछ फैंस को ना ये सवाल ना बहुत सता रहा है कि शाहरुख इस फिल्म के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन थे तो फिर रणवीर क्यों? वैसे भी शाहरुख खान का स्टार पावर जवान, पठान, डंकी के बाद 10 गुना बढ़ चुका है और वो इससे पहले रावण जैसे सुपर हीरो फिल्म भी कर चुके हैं तो उनके बारे में क्यों नहीं सोचा गया? पर क्या है ना कि मुकेश खन्ना को स्टार पावर नहीं चाहिए था, ऐसा उन्होंने ही कहा था। दरअसल एसआरटी की इमेज इतनी बड़ी है कि शक्तिमान मुकेश खन्ना के अकॉर्डिंग उनकी वैसी इमेज नहीं है जैसे कि शक्तिमान की होनी चाहिए थी। नो डाउट एसआरटी इज द किंग ऑफ फिल्म्स, ही कैन डू एनीथिंग, पर अब मुकेश खन्ना तुम से जुड़े हैं तो वो ही फैसला लेंगे और हाइट के मामले में भी ना शाहरुख थोड़े से छोटे हैं जो वो खुद मानते भी है और एक सुपर हीरो फिल्म की हाइट तो बहुत मैटर करती है बॉस, तो ये कुछ रीजंस है। पर एक्चुअली इसके आगे एक इंसिडेंट भी सुनाई दिया। दरअसल शाहरुख खान को एक बहुत पुराने इंटरव्यू में सुपर हीरोज के बारे में पूछा गया था जिसमें उन्होंने अनिल कपूर की मिस्टर इंडिया, अमिताभ बच्चन की शहनशाह और की खुद की फिल्म रावण, इन सब सुपर हीरोज के नाम मेंशन किए थे पर शक्तिमान का नाम लेना वो भूल गए। अब मुकेश खन्ना के अकॉर्डिंग ये था कि शक्तिमान उतना अच्छा नहीं था पर वो इंडिया का पहला सुपर हीरो है तो एसआरटी को उनका नाम लेना चाहिए था। अब शाहरुख ने ये जानबूझकर नहीं किया होगा पर मुकेश जी को तो गुस्सा आना जायज है, पर फिर भी वो अपनी पूरी टीम को लेकर रावण देखने के लिए गए थे। तब उन्हें ऐसा लगा कि रावण कोई सुपर हीरो पर नहीं है, उसमें वो बात नहीं है जो कि एक सुपर हीरो पर में होनी चाहिए, उसमें वो वाइब्स नहीं आ रही थी उन्हें जिससे कि हर एज कैटेगरी के लोग ना उसे कनेक्ट कर सके। रावण उतनी चली भी नहीं थी तो शायद ये भी एक रीजन हो सकता है कि शाहरुख खान इस फिल्म के लिए उन्हें परफेक्ट नहीं लगे हो। हाँ अब ऐसा बिल्कुल भी रहेंगे कि ये कोई खुन्नस निकालने वाली बात हो गई या फिर कुछ रिवर्स साइड की बात हो गई, मुकेश खन्ना ने ये भी कहा था कि शाहरुख खान एक बेहतरीन एक्टर है पर सुपर हीरो फिल्म के लिए या फिर शक्तिमान के लिए वो सही नहीं है मुकेश खन्ना के अकॉर्डिंग। अब ये उनका अपना पर्सनल ओपिनियन है क्योंकि शक्तिमान उनकी फिल्म है, पर आपको क्या लगता है शाहरुख शक्तिमान के लिए सही होते? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।